वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान की एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू के गुजराल गांव से ड्रोन हुआ बरामद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर ड्रोन बरामद हुआ है। पुलिस को गांव से बरामद हुआ ड्रोन। ड्रोन से हथियार और ड्रग्स भेजने की आशंका जताई गई है। आगे की जांच में जुटी जम्मू कश्मीर पुलिस। पुलिस को गांव से बरामद हुआ ड्रोन। जम्मू कश्मीर से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जम्मू कश्मीर से एक ड्रोन बरामद हुआ है, पुलिस को एक गांव से ड्रोन बरामद हुआ है, ड्रोन से हथियार और ड्रग्स भेजने की आशंका जताई गई है, क्या अपडेट है आपके पास? रविंद्र, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू के गुजराल गांव से ड्रोन बरामद हुआ है। पुलिस को एक गांव से ये ड्रोन बरामद हुआ है। वहीं पर ये आशंका जताई जा रही है कि ड्रोन से हथियार और ड्रग्स भेजे गए हैं। आगे की जांच में जम्मू कश्मीर पुलिस जुट गई है और लगातार जम्मू घाटी में आतंकी गतिविधियां जिस तरीके से देखने को मिलती हैं, उससे ये अंदेशा साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान की एक और साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। पुलिस को एक गांव से ड्रोन बरामद हुआ है। अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ जानकारी और मिल सकती है। आगे की जांच में जम्मू कश्मीर पुलिस जुट गई है और पुलिस को गांव से एक ड्रोन बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान की एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू के गुजराल गांव से ड्रोन बरामद हुआ है। पुलिस को एक गांव से ये ड्रोन बरामद हुआ है और इस ड्रोन के माध्यम से हथियार और ड्रग्स भेजने की आशंका जताई गई है। जम्मू घाटी में लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ती ही जा रही। एक तरफ जहां जम्मू घाटी में सुरक्षा कायम करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं, वहीं पर दूसरी तरफ आतंकवादियों ने आतंकी गतिविधियां बढ़ा रखी हैं, जिसके चलते जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक ड्रोन बरामद हुआ है, जिसमें से हथियार और ड्रग्स भेजने की आशंका जताई गई है। आगे की जांच में जम्मू कश्मीर पुलिस जुट चुकी है। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात, वाकयात की हर खबर की हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज GOT, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।